आई गेस लाइव तो आ गया हूं मैं। एक बार जल्दी से चैट में बता दो यार, आवाज आ रही है ना बढ़िया से, एंड स्क्रीन वगैरह दिख रही है? अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, इस नई उसमें अपडेट आना है, एक बड़ा अपडेट जिसका काफी लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। काफी मतलब एक वो था, मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी जस्ट, एंड उसी टाइम पे आ गया कि डॉक्टर पोखरियाल विल एड्रेस अस टुडे एट 7 PM। तो देखना रहेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, उन्होंने अभी बहुत ही मतलब उससे बोला है, क्लेवरली बोला है कि हम उनको तुम्हें अपडेट्स देंगे थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट ऑफ जेई मेन्स 2021 के बारे में। अब ये थर्ड और फोर्थ शिफ्ट क्या होगी, होगी भी या नहीं होगी, ये सब चीजें ही अभी हमको पता लगने वाली हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अभी अपने आप को बड़ा रख रहा हूँ, लेकिन जब अभी 7 बज जाएंगे तो ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, ताकि आप मेरे को भी देख पाओ एंड स्क्रीन भी देख पाओ। ट्विटर पे आएंगे डॉक्टर पोखरियाल जी, एंड वो बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेट्स होप कोई सरप्राइजेस ना हो, लेकिन डेफिनेटली यार कुछ भी हो सकता है, ये चीज किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। हमको अभी कोई आइडिया नहीं है, लिटरली सब लोग अभी 0 लेवल पे फिर से आ गए हैं, एंड देखते हैं। फर्स्ट ईयर में कितने आए आदि शिंदे? फर्स्ट ईयर खत्म हो गया मेरा IIT बॉम्बे में, एंड क्या रिजल्ट आया, क्या रहा, कैसा फर्स्ट ईयर था, इस पे तो पूरी वीडियो बनेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो बढ़िया से ऑनलाइन मूड इंडिगो भाई बढ़िया था, पता है मतलब बहुत मस्त मचाया उन्होंने, बहुत मतलब तगड़े तरीके से। मैं मतलब शेयर करूंगा यार, तुम लोग चिल करो, मैं एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हें बताऊंगा फर्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ, ऑनलाइन मूड इंडिगो कैसा हुआ था। बट अभी के लिए हमें ये बातें नहीं करनी यार, अभी हम वेट कर रहे हैं जब तक सारे लोग ज्वाइन इन कर लें। 7 PM पे लाइव, 7 मिनट्स फ्रॉम नाउ डॉक्टर पोखरियाल विल बी हियर। गोयल ब्रदर्स आर फाइन यार, बढ़िया है गोयल ब्रदर्स, बहुत मतलब मस्त वो भी मचा रहे हैं। इनफैक्ट एक गोयल ब्रदर्स तो शायद ब्रांच चेंज कर रहे हैं केमिकल्स से IIT बॉम्बे CS में, तो सोचो कितने मचाते हैं। अब वो कौन सा गोयल ब्रदर है, उसको लाइव लेके आऊंगा मैं एक दिन, ठीक है, चैनल पे, और वो भी बताएगा कैसे ब्रांच चेंज होती है IIT बॉम्बे में। मेरा भी चल रहा था यार ब्रांच चेंज का थोड़ा सा, बट मैं श्योर नहीं था ज्यादा। चलो ये सारी बातें फिर बाद में। इज इट पॉसिबल थर्ड अटेम्प्ट इन सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट? हाँ, वही वही मेरे को तो मोस्ट लाइकली वही लग रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में बिट सैट है, राइट, थर्ड से सिक्स्थ। ठीक है, तो कितने बज गए, 6:54 हो गए हैं, एंड मतलब आई एम श्योर मतलब काफी सारे लोग अब इस चीज के लिए एक्साइटेड तो हैं। 160 लोग ऑलरेडी आ गए हैं। एक्सपेक्टेड डेट्स यार मैंने अभी अभी बोला, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए थे जब आई थी अनाउंसमेंट, कि एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से तो यही आ रही है, थर्सडे थर्सडे बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से जुलाई एंड तो अब नहीं रही एक एक्सपेक्टेड डेट, पहले थी एक्सपेक्टेड डेट जुलाई एंड, लेकिन उसके बाद जो आ रही है डेट यही सामने आ रही है, सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट एंड प्रोबेबली द बिगनिंग ऑफ सितंबर, ये मेरा एस्टिमेट है। अब चलो देखते हैं, मेरी भी लाइव बेइज्जती होगी अगर कुछ और अनाउंस हुआ तो, सह लेंगे थोड़ा। नहीं भाई, गर्लफ्रेंड तो कहाँ बनी, अभी बस चल रहा है ऐसे ढूंढ रहे हैं। सालसा नाइट हुआ? सालसा नाइट नहीं हुआ, वरना बन जाती पक्का। सालसा नाइट ही नहीं हुआ ना, वही एक मतलब मौका होता है IIT बॉम्बे में गर्लफ्रेंड बनाने का, जस्ट जोकिंग। हाँ यार ऑब्वियसली, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, अब तो मतलब बस मजे से देखो, तुम लोग देखते हैं कि किस तरफ कुछ जाती है हमारी स्टोरी। जो कुछ भी होगा, भले ही वो बोल दे तुम्हारा अगले हफ्ते JEE मेन है, मैं यहाँ पे हूँ। कल मैंने की जैसे बोला, एक वीडियो आ रही है यार, प्रॉपर प्रॉपर मतलब 5 चीजें जो तुम्हें अब करनी है JEE मेन्स के लिए, वो चीजें मैं तुम्हें कल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो इस चैनल पे देख लेना। अगर नए व्यूअर्स हो यार सब्सक्राइब मारो जल्दी से, वी आर वेरी क्लोज टू 15,000 सब्सक्राइबर्स, अभी पहले 14,000 वैसे तो, बट पहुंचा दो यार इसी उसमें। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कल की वीडियो में सारी डिटेल्स हैं JEE मेंस के बारे में, तो स्ट्रेस तो तुम लो ही मत, जो आएगा आई एम हियर फॉर यू, एंड तुम लोग भी जो कुछ भी बोलोगे उस पर वीडियो बनाते रहेंगे हम। ठीक है, कितना टाइम रह गया, 56 हो गए, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई अपडेट तो नहीं। आज होपफुली स्ट्रीम यार्ड बढ़िया तरीके से स्ट्रीम कर रहा होगा, आवाज वगैरह ढंग से आ रही है ना? कोई अपडेट नहीं है फिलहाल तो, देखो भाई अब 4 मिनट से धक धक हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा JEE है अब, पिछले साल का एकदम याद आ जाता है यार हर चीज में ना, ऐसे लगता है कि
बेचारे तुम लोग भी एकदम उन्हीं चीजों से जा रहे हो जिससे हम जाए थे, बट यार आई जस्ट प्रे फॉर यू कि आ जाए तुम्हारा, ठीक है, आज ही डेट्स आ जाए, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, तुम्हें को एक टारगेट डेट मिल जाए कि इस दिन तुम्हारा जेई मेन, इस दिन तुम्हारा जेई एडवांस, उसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी, क्योंकि बहुत टाइम से तुम लोग भी लगे हुए उसके पीछे, आई नो। हाँ हाँ मैं, मेरे को जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका रिप्लाई करने का। उत्कर्ष आई सी प्लीज रिप्लाई बट आई प्रोबेबली मिस्ड योर क्वेश्चन, एक बार फिर से टाइप कर दो। कितने बजे लाइव आएंगे? 7 PM, बस थोड़ी सी देर में, 3 और मिनट। क्या लग रहा है, क्या तुम लोग बताओ थोड़ा सा चैट में, तुमको क्या लगता है क्या होगा, पॉसिबिलिटीज भी क्या क्या हो सकती हैं, क्या बताएंगे? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला अभी अपनी ट्वीट में कि मैं डेट बताऊंगा आके, आपको कुछ भी हो सकता है, तुमको क्या लग रहा है? Yes, I was in Eklavya, यार Eklavya से मेरे को वो आया था, मतलब ईमेल आया था आफ्टर माई JEE मेन्स का percentile, एंड yes, it was very decent, यार साहिल वाघ मेरे क्लासमेट हैं IIT बॉम्बे में, he says IIT बॉम्बे खोलो। For those of you who don't know, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, एंड एक बार भी मैंने तो खैर कॉलेज के गेट के दर्शन भी नहीं करे, मोस्टली पीपल हैव बीन टू द कॉलेज गेट एटलीस्ट, और बाहर से तो देखा है, धक धक हो रहा है ना, बिल्कुल। थर्ड अटेम्प्ट के लिए अब अप्लाई कर पाएंगे क्या? हाँ हाँ आई एम श्योर, एक बार तो एप्लीकेशन मोस्ट लाइकली खुलनी चाहिए यार, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। 2 मिनट्स, धक 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 धक, पता नहीं अब इतने पंक्चुअली एकदम 7 PM पे आ जाएंगे, अगर तो रिकॉर्डेड वीडियो होगी तो एग्जैक्ट 7 PM पे तो आई जाएगी, ठीक है, मैं एकदम चुप हो जाऊंगा जैसे ही रिकॉर्डेड आएगा लाइव, ताकि आपको एकदम बढ़िया से शांति से मिले, एंड उसके बाद हम भी विचार करेंगे और बताएंगे आपको क्या रहा लाइव में। अरे अभी CGPA आई नहीं है, मैं खुद वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का। तुम लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर की तो कमेंट्स में बता, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की तो बताई थी, 9.21 थी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अब देखते हैं चक्कर क्या हुआ है। हमारे लाइव लैबोरेटरी कोर्सेज होते हैं, लैब कोर्सेज जो ऑफलाइन में मिलते हैं, वो फ्री ग्रेड्स होते हैं, तो उसमें 10-10-10 करके CGPA बढ़ जाती है, इस बार वो नहीं हुए, बट छोड़ो मैं यहाँ यूट्यूब पे आके RR क्यों कर रहा हूँ। भाई साहब 659, इमेजिन करो जरा, अगर उन्होंने बोल दिया कि अब एग्जाम तुम्हारे होंगे ही नहीं या कुछ, या फिर अगले साल होंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, जूते मत मारना मेरे को। अरे यार काफी सारे वो आ गए, लोग आ गए, 500 प्लस वॉचिंग हो गई है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, जितने भी नए लोग हैं, बिकॉज यू डू नॉट रियली वॉन्ट टू मिस आउट कल की वीडियो जो कि JEE मेन्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम लाइव वेट कर रहे हैं निशंक पोखरियाल सर के लिए, या रमेश पोखरियाल निशंक सर के लिए, जो बताएंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। एवरीबडी डू हिट द सब्सक्राइब बटन, यार मैं लाइव आया हूँ स्पेशली, मतलब नीचे जाना था, पेरेंट्स बोल रहे जाके नीचे एक्सरसाइज करके आ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को लाइव आना है यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चों को मैंने प्रॉमिस करा है, तो मैं बच्चे बच्चे पता नहीं क्यों बोलता रहता हूँ, एक साल ही बढ़ाऊ मैं बस तुमसे। ओके 7 o'clock तो हो गए, देखते हैं क्या आया लाइव। लगता नहीं मेरे को एग्जैक्ट 7 पे आए होंगे कोई, थोड़ा सा डिले शायद अब हमको देखने को मिलेगा। मैं रिफ्रेश कर ही जा रहा हूँ, ठीक है, साइड बाय साइड एकदम रिफ्रेश कर रहा हूँ। वन आर गो लेट ओपी इन द चैट। यही आ रहा है भाई, वन आर अगो। आ जाओ सर, हम सब की दुविधा दूर करो, वन आर अगो। कोई नहीं, अगर आज हमें यहाँ पे 8-9 बजे तक बैठना पड़ा फिर भी हम बैठेंगे, बट आज देख के ही जाएंगे कि जा किस तरफ रही है ये गाड़ी, आ जाएंगे। अरे बोला है तो 7 o'clock एग्जैक्ट, 1-2 मिनट मतलब एक दो और इसमें आ जाने चाहिए। अब आई एम होपिंग फॉर दैट, मतलब आप लोग इतनी उम्मीद से आए हो तो। मेरे को याद है पिछली बार बैठा था जब हमारा बोला था कि मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, समथिंग इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं बोला था कि मैं तुम्हारी JEE से रिलेटेड अनाउंस करूंगा, एंड आधे लोगों ने ज्वाइन इन भी नहीं किया था पिछली बार, ठीक है, एंड ज्वाइन इन नहीं किया था पीछे से वो सारी डेट्स वगैरह पूरी JEE में JEE एडवांस सब चीज़ की डेट अनाउंस कर गए थे। मैं लकीली वो स्ट्रीम देख रहा था, मेरे को इस सब पंचायत में बहुत ज़्यादा वो रहती है।
ओहो अभी भी 1 आवर अगो। लेट्स होप जल्दी से कुछ आए। आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस। मोर देन 1000 की वॉचिंग है यार। आई थिंक अभी तक की हाईएस्ट है जो इस चैनल पे आई है मेरे को। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट कल की स्पेशल वीडियो। थोड़ी प्रोमो करने वाला हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अभी पेरेंट्स से लड़ झगड़ के मैं आया था, तो सब सब्सक्राइब कर दो यार। इतना सा तो तुम कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए, एंड बढ़िया चीज ही दूंगा तुमको, ठीक है? कल की वीडियो से चालू कर लेना जेई मेन्स की। टू हिट द सब्सक्राइब बटन एवरीबॉडी एंड लाइक भी कर दो वीडियो को। मैं रिफ्रेश कर ही जा रहा हूँ, जैसे ही कुछ आता है मैं एकदम चुप हो जाऊंगा एंड हम देखेंगे साथ में कि सर क्या बोलते हैं। हाँ 1.2 1.3 गाइस सब्सक्राइब। यस यस यार, यू कैन प्ले योर वीडियो गेम्स इन योर फ्री टाइम। मैंने फ्री टाइम पे एक वीडियो बनाई थी यार रिसेंटली कि तुम्हें फ्री टाइम में क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो जेई में। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या करूं ना करूं ताकि जेई मेन ना खराब हो जाए मेरा, जेई एडवांस ना खराब हो जाए मेरा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली। गो चेक दैट आउट। आई थिंक 10,000 से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक लिमिट तक रख पाओ तो कोई चीज खराब नहीं है, है ना? वो लिमिट सेट करनी हमें अपने आप के लिए जरूरी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बट मेरे को आज ना ज्यादा ज्ञान व्यान देना नहीं है, आज मेरे को सिर्फ देखना है होने क्या वाला है। सब्सक्राइब गाइस 1.2K की वॉचिंग है, तो 1.2K एडिशनल सब्सक्राइबर्स डाल दो, आज 15,000 तक पहुंचा दो। मैं ज्यादा मांग रहा हूँ शायद। यस लेट ओपी इन द चैट। आई थिंक सर लाइव ही आ रहे हैं, है ना? इसीलिए लेट हो गए, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड वीडियो होती तो एग्जैक्ट 7 बजे आ जाती है। एंड अगर लाइव आ रहे हैं इसका मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है, मतलब समथिंग इज बिग ऑन हिज माइंड एंड समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 रेवोल्यूशनरी। पता नहीं यार क्या होगा ऑनेस्टली। अब तो अगर डिले आ रहा है मतलब कुछ कुछ ऐसा चल रहा है, हाँ ये अनाउंस करना है ये अनाउंस करना है, कर दें डेट फाइनलाइज, समझ रहे हो ना? टेक्निकलिटीज लाइव आने की। देखो मैं तो रिफ्रेश करता रहूंगा भले ही आज हमें यहाँ पे 8 बजे तक बैठना पड़े। हाँ कितनी प्यारी बात बोली आपने तानने, एक और बार सब्सक्राइब कर लो। अगर 2 बार सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तो 2 बार सब्सक्राइब कर लो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ह्यूमन ह्यूमन कल एग्जाम है बोल के अगर चले गए सर तो क्या करोगे? जस्ट इमेजिन एक बार अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि कल एग्जाम है, क्या होगा फिर? क्या करोगे तुम अभी इस टाइम पे? क्या करोगे तुम? मैं तो शायद छोड़ ही दूं, मैं कहूंगा अब तो कुछ हो नहीं सकता। सब्सक्राइबर ओनली चैट ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा होता फिर तो मैं डेफिनेटली कर देता यार, फिर तो सब सब्सक्राइब कर लेते हैं। इस टाइम पे बस रिफ्रेश ही करता रहूंगा मैं, क्योंकि तो ऐसा ना हो पीछे से चालू हो जाए। ठू ठू ओके थोड़ा सा तो डिले है, मतलब ट्रैफिक हाई है इनके पेज पे, विच इज ऑब्वियस। नो अभी भी नो अपडेट। मैं एक तरफ ना दूसरे डिवाइस पे भी चालू रखता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो आप लोगों का। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश अपने फोन पे करता रहूंगा बार बार, क्योंकि उस पे करना आसान है, एंड तब तक हम आपकी चैट्स देखते रहेंगे। ठीक है, हाउ टू कवर सेंगेज। सेंगेज पे पूरी प्रॉपर मतलब रिव्यू सीरीज बन रही है, सारी टाइप की सेंगेज की पूरी प्रॉपर एनालिसिस दूंगा मैं कि कौन सेंगेज कौन से जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, और किस तरीके से तुम उसको बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सेंगेज का तो तुम चिंता ही मत करो, क्योंकि मैंने सेंगेज पूरी पूरी नहीं करी थी मतलब, लेकिन पूरी प्रेपरेशन मैंने अपनी मोस्टली सेंगेज से ही करी थी। ठीक है, तो वो सेंगेज की तुम चिंता मत करो, सेंगेज की आएगी। 7 अगस्त से नहीं भाई, ऐसे मत करो यार। मोहम्मद जफीर अभी आया नहीं है,
अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को भी लगता है अराउंड उसी टाइम पे होगा पहला जेई मेन, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। Why? Why would you dislike? मतलब यार ये तो गलत बात है, मतलब मैं भी तो आया हूँ यार अपना टाइम निकाल के, डिसलाइक तो मत करो ऐसे, मैं तो बुरा मान जाऊंगा, फिर लाइव रो दूंगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे हाथ में फोन है, देखो मैं बार बार रिफ्रेश कर ही जा रहा हूँ। जैसे ही अपडेट यहाँ पे आता है मैं यहाँ पे लगा दूंगा तुम लोग के देखने के लिए। कोई अपडेट नहीं है अभी, यही है लास्ट 1 आवर अगो वाली जो टॉप पे पोस्ट दिख रही है। TMH ग्रेट बुक यार, मतलब मैथमेटिक्स के लिए तो मैं कहता ही हूँ कि कोई भी बुक बुरी नहीं रहती। मैथमेटिक्स में जितना तुम करो उतना अच्छा है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। एंड इस टाइम पे तो प्रैक्टिस तुम्हारी सबसे ज्यादा मांग रहा है, JEE 2021 आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। इफ यू वॉन्ट आई विल मेक अ रिव्यू बुक, रिव्यू वीडियो अबाउट द TMH बुक ऑल्सो। 98.07 में कितना रैंक आएगा यार, जैसे 99 में अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 10,000 पे आता है, तो वैसे ही अराउंड 20,000 आता है तुम लोगों का। बट अगेन दिस इज वेरी वेरिएबल, दिस डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वेरिएशन। मान लो एक शिफ्ट में बहुत ही अलग बच्चों के 99% आए और दूसरे शिफ्ट में बहुत ही अलग बच्चों के 99% आए, तो ये नंबर फिर और पीछे जाता रहेगा। सो आई थिंक आई वुड से सेफ टू से कि बेस्ट जो आपकी आ सकती है इस टाइम पे वो अराउंड 20,000 है, ठीक है। ये बताओ यार मेरे को कि सबने लाइक कर दी ना वीडियो, शो योर लव, शो योर सपोर्ट, ताकि मैं भी यहाँ पे बना रहूँ। एंड अपडेट मैं अभी रिफ्रेश कर ही जा रहा हूँ साइड बाय साइड, जैसे ही आपका पहला वो आ रहा है अपडेट मैं आपको बता दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। नीट का क्या अंदाजा है? नीट का आज अपडेट नहीं है यार, बट मे बी ही अनाउंस समथिंग अबाउट नीट, लेट्स सी। Where do you live? I live in a city called Gurgaon. 1 month में 150 आ सकता है, बहुत अच्छे से आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। Okay, Shitij, वो session हम Unacademy पे ले लेंगे, ठीक है। आप मेरे को कल बता देना, कल रात को हम लाइव आ रहे हैं ना, तो आप तब मेरे को बता देना। एडवांस में कितने रैंक पे IIT मिल जाता है? अगर आप जनरल की बात कर रहे हैं यार, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 15,000 के अराउंड पे बॉयज के लिए बंद हो जाता है। इनफैक्ट इवन कम, अभी एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो 10,000 पे सब बंद हो जाता था। रोहित पटेल से भैया नेटफ्लिक्स पे आएगा, इमेजिन ये भी दिन आएंगे नेटफ्लिक्स पे भी स्ट्रीम करेंगे पोखरियाल जी। दस मिनट का डिले हो चुका है। मेरा स्कोर यार 205 था JEE 2020 में, ठीक है, एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1243, 1234 नहीं 1243। रिफ्रेश करी जा रहा हूं मैं, नो अपडेट अभी भी, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अभी आ रहे हैं यार आस्था, थोड़ी देर में ही लाइव आएंगे मोस्ट लाइकली। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अब ये लाइव ही आने वाले, अब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं अपलोड होने वाली, क्योंकि वो फिर सीधा सीधा ये 7 o'clock कर देते। सिंस इतना डिले आया है तो ये जाने वाली है चीज लाइव, सर आएंगे लाइव और हम उस चीज को लाइव स्ट्रीम करेंगे, साथ में देखेंगे आपके एंड एनालाइज करेंगे साइड बाय साइड कि क्या सर ने बोला, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है यू नीड टू कीप इन माइंड, एंड लेट्स सी वेयर दिस हेड्स टू। पंजाबी बोल दो अमेरिका जी, सत श्री अकाल, किदां तुसी सारे पंजाबी, इकनूर सिंह चे तुहाडा स्वागत है सारियां दा। ते अज असी वेखांगे रमेश जी नू लाइव, वेखदे है की कहंदे है, ठीक है, इतनी पंजाबी काफी है, अब व्यूअरशिप गिर जाएगी बहुत बुरी तरह से, ठीक है, एंड लोगों को अपडेट मिल नहीं पाएगा उनका। एडवांस के मार्क्स यार 205 अभी बताया, सबसे पहले लोगों को एडवांस के मार्क्स जानने होते हैं। इमेजिन अगर ये लाइव आए ही ना,
क्योंकि इन्होंने बोला है मैं आपको इससे अवगत करवाऊंगा, इन्होंने ये नहीं बोला मैं लाइव आके इसका आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, इन्होंने बोला मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब ये इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में भी आ सकती है। बिटचार्ट में कितने आए थे? ओके, आई एक्चुअली वांटेड दिस टू गो थ्रू अ वीडियो, लेकिन बता देता हूँ मेरे 385 आए थे। एंड क्या थी स्टोरी बिटचार्ट की, कैसे बिटचार्ट देना है, उसकी भी वीडियो शूट हो गई है आज के आज। एंड जल्दी से एडिट करके मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है? एंड अपनी स्टोरी भी एक वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, कैसा रहा था बिटचार्ट, पेपर अटेम्प्टिंग के ट्रिक्स क्या होते हैं बिटचार्ट के, क्योंकि बिटचार्ट एक काफी वो है भाई, अलग ही हो तुम लोग तो, बोलते टिंडर पे आ जाएंगे लाइव। मैं आईआईटी बॉम्बे में नहीं हूँ यार, काश होता। मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया है मैंने जेई के थ्रू, लेकिन मैं वहां बैठा नहीं हुआ, मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ अभी, एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे जहाँ पे मैंने अपनी जेई की पढ़ाई करी थी। अब आप लोग भी प्रे करो, मैं भी प्रे करता हूँ कि साथ में हम लोग जाएं कॉलेज। कोई अपडेट नहीं है, साइड बाय साइड मेरे एक हाथ में अपडेट चल ही जा रहा है, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। जे 2022 में बोर्ड का 75% क्राइटेरिया यार मोस्ट लाइकली हट जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगेन आई डोंट नो, अभी अभी ऑफिशियल अपडेट मेरे को तो नहीं पता एटलीस्ट अगर आई है या नहीं आई है, मेरे हिसाब से नहीं आई है अभी, क्योंकि जे 2022 के बारे में बोलना अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली। जेई एडवांस पे दास्तान, जेई बनाओ यार, जाओ कम्युनिटी पोस्ट पे देखो, ऑल इंडिया रैंक 5 केशव अग्रवाल के साथ मैंने आज ही पूरी वीडियो शूट करी है। सारे क्वेश्चंस आपके थे, आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बताए थे क्या क्या उससे पूछना है, मैंने सब कुछ पूछ लिया है, तो बढ़िया से उसकी एडिटिंग करके मैं वो डाल दूंगा, डोंट वरी। दास्तान जेई जिनको नहीं पता, न्यू पीपल न्यू सब्सक्राइबर्स, पहले तो सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पे, ठीक है? सब्सक्राइब करोगे तभी ये सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री है एकदम सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड दास्तान जी जैसे कि मैंने बोला केशव अग्रवाल के साथ आ रहा है नेक्स्ट एपिसोड, आप ढूंढ सकते हैं, ही वाज़ दी ऑल इंडिया रैंक 5 जेई एडवांस में। एंड आई रियली वांट टू से दिस कि हम हमेशा सिर्फ ऐसे टॉपर्स को नहीं लेके आते, आई अग्री कि टॉपर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे हैव बीन ग्रेट पीपल, लेकिन हम मतलब ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरीज शेयर करने की कोशिश करते हैं, हम ड्रॉपर्स को लेके आते हैं, हम टॉपर्स को लेके आते हैं, हम ड्रॉपर्स टर्निंग टू टॉपर्स को लेके आए हुए हैं अपनी दास्तान जेई में। एक गर्ल्स एडिशन बनाया था जो काफी काफी मतलब हिट गया था अपना दास्तान जेई का, काफी हेल्प मिली थी स्पेशली द फीमेल एस्पिरेंट्स को, सो गो चेक ऑल ऑफ दैट आउट। बाकी ओके ओके आ गए लाइव आ गए, चलते हैं यार लाइव आ गए हैं, मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, तुम लोगों को पूरा दिखाऊंगा अब। सबके साथ शुरू से ही बहुत चट्टान की तरह साथ खड़े रहे हैं, आपका की सुरक्षा, आपकी रक्षा और आपके भविष्य को देखते हुए उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। और इस समय भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को देखते हुए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण के भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2021 2 अगस्त तक 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो जान करके आपको बहुत खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत बेहतर अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं आएगी आवेदन नहीं किया था,
कोरोना के कारण या विभिन्न प्रस्तुतियों के कारण ये रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं कर सके थे, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है फिर आवेदन करने का। और इसकी तिथियां हैं जो एनटीए ने किया है कि आप तीन दिन, आज 6 तारीख की रात से लेकर के और 8 तारीख रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण भी आपके लिए एनटीए बहुत बेहतर अवसर लेकर के आया है, जो चौथे चरण की जो आपकी परीक्षाएं हैं जो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक आयोजित होंगी, उसमें भी आप 3 दिन के अंदर अंदर 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि इन तिथियों में आपने पहले में आवेदन नहीं कर सका, आप किसी कारण किसी परिस्थिति में भाई छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर एनटीए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं तो इन दोनों परीक्षाओं में इन तिथियों में जब आप आवेदन करना चाहेंगे एडवांस बोलते हैं या नहीं, दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा का केंद्र चेंज करना चाहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार और इच्छा के अनुसार, यदि आप कहेंगे तो इन 3 दिन के अंदर आपको उसका भी विकल्प देना होगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जहां परीक्षा के केंद्र जितने पिछली बार थे उससे दुगना से अधिक हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया है, ताकि सामाजिक दूरियां सुनिश्चित हो सकें और दूरियों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए SOP का पालन करने का बार बार आग्रह किया। मैं आप सब की ओर से, अभिभावकों की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। हम सब लोग कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में जहां JEE की परीक्षा केवल एक बार होती थी, अब JEE की परीक्षाएं 4 बार होंगी और उन 4 बारों में भी जो उसके सर्वोत्कृष्ट नंबर होंगी उन्हीं को अंकित किया जाएगा। एक तो ये आपके लिए बेहतर अवसर की एक बार की जगह 4 बार और उसमें जो बेहतर अंक आपका प्रदर्शन होगा उत्कृष्ट हो उसको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मातृभाषा में हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे, तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, जो क्षेत्रीय भाषाओं का था, वो अपनी मातृभाषा में इंजीनियर बन सकता है। और इसलिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहले केवल 3 भाषाओं में होती थी और आज ये परीक्षा 13 भाषाओं में हो रही है, वो भी इंजीनियर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में भी इंजीनियर बन सकता है। इतना आमूल चूल परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है, निश्चित रूप में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं सब अभिभावकों से कुछ अपील करूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार हमने JEE की परीक्षा को, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट और JEE को कोरोना काल के हम बहुत सफल रहे हैं, आप सबकी मदद मिली है, राज्यों की मदद मिली है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी गण से भी निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, अभिभावक गण से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे गृह मंत्रालय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP की गाइडलाइन है, कृपया उसका जरूर पालन करें, तभी आप परीक्षा केंद्रों पर जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हम उसका पालन करेंगे और मैं प्रिय छात्र छात्राओं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं। एक बार आप निश्चिंत होकर के स्वच्छंद तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा को दीजिए। इसमें जहां पिछली बार जितने सम्मिलित होते थे 4 गुना छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, आपको लगातार अवसर मिले, इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें, मेरी शुभकामना, नमस्कार। क्या हो गया भाई, ये तो मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड ओके, हाँ थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया यार, अब इस मैं स्ट्रीम को ज्यादा खींचूंगा अभी नहीं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं तुम्हारे JEE मेन की एंड शॉकिंग
इनफैक्ट मैंने अभी वीडियो बनाई थी, आज ही वीडियो बनाई थी कि जेई मेंस जुलाई में तो होने का चांस नहीं है क्योंकि 6 जुलाई में तो हम ऑलरेडी पहुंच गए। अभी 14 दिन में आपका जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट चालू है, उसके बाद 5 दिन बाद तक चलेगा, उसके बाद एक दिन का गैप छोड़ा है, 27 से चालू है आपका जेई मेन का 2 एंड 2 अगस्त तक आपका जेई मेन्स 2 भी चलेगा। तो इमेजिन मतलब आपको क्या ही करा है ये। अब आई एम नॉट सेइंग ये बुरा है सही है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये पुश करा होगा यार, क्योंकि अभी हमें पता है फॉर सर्टेन कोविड केसेस कम हो रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक आइडियल टाइम था शायद एग्जाम्स कंडक्ट करने का। ऑब्वियसली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, आई एम एज शॉक्ड एज यू गाइज आर, बट डू नॉट वरी यार, कल की वीडियो मिस मत करना तुम लोग। कल की वीडियो में मैं जेई मेन्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी तुमको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, दुखी मत होना बिल्कुल भी मेरे को, तुम इतना बता दो तुम्हें किस किस चीज पे वीडियो चाहिए, मैं जेई मेन्स पे अब तुम लोगों की पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। एनीथिंग विच यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट, आई विल बी ग्लैड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, डू नॉट वरी यार, अब सबके लिए ही ये हुआ है, सब लोग अभी एक मजेदार मूड में चल रहे थे एंड सर आए बोल के चले गए, 14 दिन में 2 हफ्ते में चालू है आपकी जेई मेन्स की। अब यार प्लीज ऐसे मत करो, अब आप चैट में क्या कर सकते हो, आपके पास अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तरफ जाओ आप इसके बारे में रो कि बहुत जल्दी है गलत हो गया हमारे साथ, उसमें ही आपका टाइम निकल जाएगा। दूसरे टाइप के लोग कौन से होंगे, इस टाइम से ही चालू हो जाएंगे पढ़ना एंड उन वो लोग इन जेई में अपना रैंक निकालने वाले हैं, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। और किसी को मतलब कोई भी दिक्कत है तो कल हम लाइव आ रहे हैं अन अकेडमी पे, कम्युनिटी पोस्ट पे जाके लिंक देख लेना उसका। दैट्स इट अबाउट द डेट्स ऑफ जेई मेंस 2021, आई एम शॉक्ड, यू आर शॉक्ड, बट वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, हमें अपनी प्रेपरेशन को डबल करना है। कल की वीडियो मत मिस करना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड ऑन दिस नोट जो हो गया आगे की देखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।